नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप हैं फ्री डायल वेब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार के आस्था हॉस्पिटल के बाहर। और ये हॉस्पिटल विशेष रूप से गुर्दे संबंधी बीमारियों के लिए जाना जाता है, खासतौर से जिन लोगों को स्टोन संबंधी दिक्कतें होती हैं उनके लिए विशेष पहचान रखता है। आइए देखते हैं हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, किस प्रकार से यहाँ पर तमाम मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉस्पिटल की तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं कि किस प्रकार से यहाँ तमाम तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं मरीजों के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक मेहता, जो यहाँ पर पूरी तरह से तमाम हॉस्पिटल को देख रहे हैं और यहाँ तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं डॉक्टर साहब करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो प्रमुख रूप से आस्था हॉस्पिटल में क्या कुछ पेशेंट्स को दिया जाता है? आस्था हॉस्पिटल हम लोगों ने 2005 में एस्टेब्लिश किया था। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरी जो ट्रेनिंग है सब मैंने बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे से की हुई है। एंड क्योंकि मैं इसी एरिया से बिलोंग करता था तो मैं हिसार में आके एक हॉस्पिटल बनाना चाहता था जिसका मेन पर्पज़ था कि सोसाइटी के अंदर जो भी लोगों को गुर्दों की बीमारियां हो रही हैं उससे संबंधित एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि टाइम के साथ साथ गुर्दों की बहुत प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं डे बाई डे। और उससे संबंधित हिसार में और हमारे इस पूरे एरिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो सिर्फ गुर्दों की बीमारियों के लिए डेडिकेट हो, तो उस मोटिव को रख के हमने आस्था हॉस्पिटल के लिए स्थापना की थी, जिसके अंदर पहले तो हमने यूरोलॉजी सर्विसेज और रेडियोलॉजी सर्विस स्टार्ट की थी, अभी इसके अंदर हमने नेफ्रोलॉजी सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस की है। द ओनली पर्पज इज़ टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट विद किडनी डिसऑर्डर्स। यहाँ पे हमारे किडनी के संबंधी जो भी ऑपरेशंस हैं वो होते हैं, जिसमें खास करके हम लोग दूरबीन के द्वारा गदूद के, कैंसर के, पथरी के ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेक्सुअल प्रॉब्लम की सुविधा है। इसके अलावा बच्चों के अंदर और औरतों के अंदर कोई भी यूरिन की प्रॉब्लम होती है उसको देखा जाता है। गुर्दे संबंधी जो भी कैंसर की बीमारियाँ होती हैं उसके निदान किया जाता है। अभी रिसेंटली हमने नेफ्रोलॉजिकल सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस की है, जिसके अंदर जिन पेशेंट के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिनको डायलिसिस पे रखा जाता है, उससे संबंधित जो भी कोई बीमारियां होती हैं उसके लिए भी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं यहाँ पे। ये भी जानना चाहेंगे कि गुर्दों की तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो प्रमुख रीजन या प्रमुख कारण क्या है आज के दौर में जो गुर्दे लगातार जो है लोगों के? हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम गुर्दों की प्रॉब्लम के बारे में देखें या वर्ल्ड के भी हम डाटास को देखते हैं तो सबसे जो कॉमन कॉज है गुर्दों की खराबी का वो है डायबिटीज़, शुगर की बीमारी। दूसरा है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का होना वो भी एक कारण है जिसकी वजह से गुर्दे खराब हो रहे हैं। इसके अलावा पथरी की बीमारी का होना, इन्फेक्शन का होना, टीबी का होना,
और हार्ट की प्रॉब्लम का होना, किडनी के अंदर और तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनका होना, जिसकी वजह से आजकल सोसाइटी के अंदर गुर्दों की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। ये मुख्य कारण है। तो सब आखिर में तमाम दर्शक देख रहे हैं आस्था हॉस्पिटल की तमाम फैसिलिटीज़, हमने भी अपनी तस्वीरों के माध्यम से दिखाई, आपने भी तमाम चीज़ें बताई, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जो दूर दूर से पेशेंट आपके हॉस्पिटल में? मेरे सभी पेशेंट से, पेशेंट तो मैं नहीं कहूँगा, मेरे सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको कभी भी पेशाब के अंदर कोई भी तरह की दिक्कत हो, पेट में दर्द हो, उल्टी आ रही हो, चेहरे पे सूजन का आना, बार बार पेशाब का जाना, पेशाब में खून का आना, अगर ऐसे कोई भी आपको लक्षण है तो तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह लीजिए। अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या आपको कोई पथरी की बीमारी है, इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये भी सबसे बड़े कारण है जिसकी वजह से आजकल के टाइम में गुर्दों की प्रॉब्लम, गुर्दों की बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। जैसे डॉक्टर विवेक मेहता जो आस्था हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दी। आपको तमाम तस्वीरों के साथ छोड़े चलते हैं। के अंदर जो भी यथा संभव डिस्काउंट होता है।